नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय रेल पर आगामी 50 वर्ष की आवश्यकताओं को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर विश्व स्तरीय यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उनके पुनः विकास का कार्य तथा समपारों पर संरक्षण के दृष्टिकोण से रोड ओवर ब्रिज अंडर पास के निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में 26 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत स्टेशन का शिलान्यास व लोकार्पण, राष्ट्र को समर्पण 41,000 करोड़ की लागत से किया जाएगा। अमृत भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एक पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशन के उद्घाटन सहित 73 रेलवे स्टेशनों का पुनः विकास किया जा रहा है, जिस पर 1876.64 करोड़ की लागत आएगी। पूर्वोत्तर रेलवे पर अमृत स्टेशन के अंतर्गत 32 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में 31 रेलवे स्टेशनों के शिलान्यास एवं 1 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। इन 32 स्टेशनों में उत्तर प्रदेश के 25, बिहार के 5 एवं उत्तराखंड के 2 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर रेलवे पर 111 रोड ओवर ब्रिज अंडर पास का शिलान्यास उद्घाटन किया जाएगा। इन 111 रोड ओवर ब्रिज अंडर पास में उत्तर प्रदेश के 94, बिहार के 14 एवं उत्तराखंड के 3 रोड ओवर ब्रिज के अंडर पास शामिल हैं। फायदे जो है उत्तर स्टेशन के पुनर्विकास के, अंतर्गत स्टेशन के आधुनिकीकरण। आनंद नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत आनंद नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन के 10 करोड़ 28 लाख रुपया के लागत से कायाकल्प करल जाए। स्टेशन भवन के आकर्षक रूप प्रदान करल जाए। सर्कुलेटिंग एरिया, फसाड़, पोर्च और प्लेटफॉर्म सरफेस के सुधार करल जाए। वेटिंग हॉल एवं प्रसाधन केंद्रन के आधुनिक सुविधाओं से लैस करल जाए। ये सब कार्य जब पूरा हो जाए ना, तो यहाँ आए वाले यात्रियों के एकदम एयरपोर्ट जैसन सुविधा मिली। 26 फरवरी 2024 के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एकर शिलान्यास हुई। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने कहा, 26 फरवरी को भारतीय रेल का एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है। उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुल मिलाकर 554 स्टेशन और 1500 से ऊपर आर ओ बी का शिलान्यास और उद्घाटन, हमारे गोमती नगर का ही एक स्टेशन का उद्घाटन भी हो रहा है। ये हमारा प्रयत्न है कि इसको एक इतने विशाल स्केल पे करें कि ये एक विश्व रिकॉर्ड भी बने कि इतनी लोकेशंस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारी लोकेशंस कनेक्ट करके कार्य आरंभ हो। पूर्वोत्तर रेलवे का जहां तक सवाल है, हमारे इसमें 31 स्टेशन हैं और जिनका शिलान्यास होगा और एक गोमती नगर जिसका उद्घाटन होगा। साथ ही हमारे 111 आर यू बी का भी शिलान्यास लोकार्पण होगा। हर लोकेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्टिविटी हो गई है और वहाँ पे हर, जैसा कि आपको पता है, अमृत स्टेशन के तहत हर स्टेशन पे हमारा प्रयत्न है कि लोकल जो कल्चरल इथॉस है उसको लेके हम स्टेशन का इम्प्रूवमेंट करें। साथ ही अगले 50 साल के लिए हम सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जो कि जैसे जैसे हमारे यात्रीगण बढ़ते रहते हैं उनको ना सिर्फ विकसित स्टेशन मिले बल्कि उसमें उस प्रकार की सुविधाएं मिले जो वो क्राउड पैसेंजर फुटफॉल हैंडल कर सके। कार्यक्रम का समय क्या रहेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी 12:20 के बाद जुड़ेंगे हमारे कार्यक्रम में। उसके पहले लोकल फंक्शन शुरू होगा 10:45 बजे और वहाँ पे हमारे लोकल कुछ कल्चरल प्रोग्राम होगा। हमारे जो हमने बहुत सारे कंपटीशन कराए हैं विद्यार्थियों के,
2047 विकसित भारत विकसित रेल के टॉपिक पे, तो उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ज्वाइन करेंगे।